तो आप आशा करें तो अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेटीएम अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पेटीएम अकाउंट बनाना नहीं जानते हो तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बने रहिए। अगर आप यूट्यूब से कोई पुरानी वीडियो देख के पेटीएम अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारा सेटअप करना पड़ेगा और बहुत सारी दिक्कत परेशानी आएगी। आप पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए एक नई वीडियो देख के आप पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए क्रिएट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी आपके सामने नज़र नहीं आएगी। सिंपली आपकी एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने के बाद इसको या प्ले स्टोर से आप चेक करोगे। प्ले स्टोर से आपको सर्च वाले पर सर्च कर दें पेटीएम। जैसे कि आपने सर्च वाले पर सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेटिंग करना होगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेटिंग करने के बाद अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल कर घंटी वाले प्रेस को ऑल करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी इस तरीका की वीडियो ना तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिले। सो फ्रेंड्स, कर लेते वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम आदित्य कुशवाहा और आपका फिर से मेरे टेक सपोर्ट में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, चेक कर लेते वीडियो को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है, इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको इसे ओपन कर देना है। सिंपली आपको इसको ओपन करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको सिंपली थोड़ा सा वेटिंग करना होगा। वेटिंग करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको सिंपली अपना नंबर, फ़ोन नंबर यहाँ पे ऐड कर देना, फ़ोन नंबर अपना यहाँ पे डाल देना। सो फ्रेंड, आपका फ़ोन नंबर वही डाल देना है जो आपके फ़ोन में जो सिम डला होना चाहिए, क्योंकि इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई हो सकता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिंपली जो मेरे फ़ोन में जो सिम कार्ड डला है उसी का मैं सिम नंबर, फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, अपने नंबर डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कर देना है प्रोसेस सिक्योरिटी पे क्लिक कर दें। जैसा कि आपने इस पर क्लिक किया, देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसा कि कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अलाउ पे क्लिक कर देना। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फिर आपको अलाउ पे क्लिक कर देना। थोड़ा सा फ्रेंड्स वेट करना होगा। वेट करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मेरा नंबर है ना वेरीफाई हो गया। देख सकते हो जो पेटीएम अकाउंट मेरा है ना जो इंस्टॉल होने के लिए वेटिंग हो गया। देख सकते हो इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इस तरीके का इंटरफेस होने के बाद आपको सिंपली लिंक माई बैंक एक्टिविटी UPIC इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। बहुत सारा का सारा सेटअप यहाँ पे प्रोसेसिंग होने लगेगा। इस तरीके से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। जैसा कि प्रोसेस होने के बाद देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। सिंपली आपको बैंक ऐड करना है तो आप बैंक ऐड कर सकते हो। सिंपली बैंक ऐड कैसे करें तो आपको सारा कुछ सेटअप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताएंगे किस तरीके से बैंक ऐड किया जाता है और किस तरीके से सारा का सारा सेटअप पेटीएम अकाउंट में किया जाता है। फ़ोन की सेटिंग को, पेटीएम एप्लीकेशन की सेटिंग को, पेटीएम अकाउंट बनाने के लिए जो सेटिंग होती है सारी की सारी सेटिंग इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताएंगे, लाइव प्रूफ बताएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। सिंपली जो भी आपकी स्टेट बैंक है तो आप स्टेट बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट है तो बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी बैंक आप सर्च कर सकते हो या वहाँ पर आप बैंक सर्च कर सकते हो, कोई भी बैंक हो तो आपको सिंपली आपकी कोई भी बैंक हो तो मैं अपनी बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट कर लूँगा। बैंक ऑफ इंडिया को सेलेक्ट करने वाले देख सकते हो आपके सिंपली कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप और भी बैंक ऐड करना चाह रहे हैं तो आप अदर्स पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी अदर्स के रिलेटेड बहुत सारी बैंक आ जाएंगी और आप आसानी से क्लिक कर सकते हो और बैंक ऐड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, और भी बैंक मेरे को ऐड नहीं करनी है तो मैं लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक पे लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो इस तरीके से करेंगे तो आपको आई थैंक माई बैंक पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से करेंगे तो देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। अनेबल नाउ आपको इसके स्किप कर देंगे। स्किप करने का देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा, बहुत कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो स्कैन एंड यू आर, यहाँ पे स्कैन यू आर आ जाएगा, बहुत कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इस तरह
पेटीएम आप आसानी से फिर से खोल सकते, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप पेटीएम खोलने के रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप मेरे को बताइए। सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कोई भी बैंक ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर फ्रेंड्स आपको बैंक ऐड करने में पेटीएम में दिक्कत परेशानी हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप रिक्वायरमेंट आप दे दीजिए तो आपको रिप्लाई दे देंगे। आई होप ये फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कभी और भी वीडियो इस तरीके की और भी बनाने के लिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखो, तो आपको रिक्वायरमेंट आपकी फुल की जाएगी। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखना, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।